सामान। अरे शुक्र लिफ्ट ग्राउंड पे ही है। यार रोक नहीं रख सकता था, बदतमीज इंसान। रोजे में सब्र सबसे अहम चीज है, और अगर आपके अंदर सब्र नहीं है तो अपने अंदर सब्र पैदा करें। अरे थैंक्स ब्रो। रमजान में ऑफिस के टाइमिंग्स कम होने का मकसद हरगिज ये नहीं होता कि आप रात भर जाग जाके मूवीज देखें, बल्कि रमजान की रातें बहुत अहम हैं जिसमें आपको इबादत करनी चाहिए। इफ्तार के टाइम एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखें, सिर्फ आपका रोज़ा नहीं है, इफ्तार बनाने वाले का भी रोज़ा है। तो अगर खाने में छोटी मोटी गलतियां हैं तो उसे दरगुजर करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। अम्मी यार इसमें गुठलियां बन गई हैं, अजीब, मैं नहीं खा रहा यार। शर्म करो ना शुक्र, एक तो लोगों को खाने को नहीं मिलता, तुम्हें फिर भी दही बड़े मिल रहे हैं। अगर इतना शौक है ना तो जल्दी उठ जाया करो, अपने लिए दही बड़े लेकर आया करो। अम्मी नमक बहुत ज्यादा कर दिया आपने। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि नमक ज्यादा है या कम है, मेरा भी तो रोज होता है। तुम लोग तो सोते पड़े रहते हो, और मैं सहरी में भी उठती हूँ, तुम्हारे लिए सहरी बनाती हूँ, और ऊपर से इफ्तार भी बनाती हूँ, और मैं चखूंगी कैसे कि नमक ज्यादा हो गया या मिर्ची ज्यादा हो गई। खुद बना लिया करो ना अपने लिए। अम्मी ये फ्रूट चाट भी खट्टी हो गई है, और ऊपर से इसमें अमरूद है, मैं अमरूद नहीं खाता फ्रूट चाट में। क्या मतलब मैंने अमरूद डाल दिए, जो फ्रूट होगा वही तो डालूंगी ना, खुद लेकर आया करो अपनी चाट। आज की इफ्तारी मजेदार नहीं है। क्या वो कुछ मसला है रीता? नहीं मुझे तो सही लग रहा है। क्या हुआ हसनफर, चाट सही नहीं है क्या? अरे नहीं कोई बात नहीं अम्मी, होता है होता है, खैर है। खाने में ऊंच नीच हो जाती है, और असल मजा तो एक साथ इफ्तार करने में है ना। रमजान में रोजों के दरमियान असर के बाद का टाइम सबसे ज्यादा मुश्किल टाइम होता है, एंड दैट्स द टाइम व्हेन यू नीड टू कंट्रोल योर एंगर द मोस्ट। ये गाड़ी किसकी है? ये गाड़ी किसकी है? हाँ मेरी है, तो हटा ना। हटा रहा हूँ, शोर क्यों मचा रहा है? ये गाड़ी किसकी है? हाँ भाई मेरी है, मेरी है। सॉरी यार जरा हटा सकते हैं, मुझे अपनी गाड़ी निकालनी है, जगह नहीं है ना। अब मैं भी हटा देता हूँ, दो मिनट बस, मैं भी हटा देता हूँ। थैंक यू थैंक यू।